तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग के कमाल की एक ऐप के बारे में, जिसके अंदर एक नया लेटेस्ट अपडेट भी आया है। उस ऐप का नाम है बैटरी एंड डिवाइस केयर। दोस्तों जैसा कि ऐप का नाम है बैटरी एंड डिवाइस केयर, तो ये डिवाइस केयर के लिए ही काम करता है और सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक नया अपडेट आया और नए अपडेट के बाद क्या नए चेंजेस किए गए हैं और एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं इस ऐप को या बोल सकते हैं इस सेटिंग को, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दिया करो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ डिवाइस केयर के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाके देखेंगे माय अपडेट्स में, तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा होगा डिवाइस केयर के अंदर, ये आपको दिख रहा है। अगर आपके पास ऐसे नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है नीचे की तरफ बैटरी एंड डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आपको थ्री डॉट्स पे जाना है और अबाउट डिवाइस केयर पे चले आना है। जैसे ही आप डिवाइस केयर पे जाएंगे तो आपको बता देगा कि यहाँ पर अपडेट अवेलेबल है, और जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे वो आपको खुद ही ले जाएगा आपके गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर पे जाने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया। 4 जुलाई 2023 को उसको रोल आउट किया गया, जिसका साइज है 15.42 MB का एंड देन वर्जन नंबर इज 13.6.0.4। पहले तो मैं इसको अपडेट पर डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कोई चेंजेस नहीं किया गया, आपने कोई डिस्क्राइब नहीं किया है कोई भी चेंजेस यहाँ पर उन्होंने कोई ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया है। पर जब भी कोई नया अपडेट आता है, उस अपडेट के अंदर हमेशा बग्स को फिक्स आउट किया जाता है, बग्स को फिक्स किया जाता है, इन्हांस कोई फीचर इंप्रूव किए जाते हैं और सिक्योरिटी को तो 100% इंप्रूव किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है डिवाइस केयर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये आपके मोबाइल को डिवाइस से केयर करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपडेटेड रहना चाहिए क्योंकि नए मालवेयर्स है, नए वायरसेस है, सबसे अपडेटेड रहता है तो उससे आपको प्रोटेक्ट करता रहता है। और कुछ लेटेस्ट जो भी कुछ नए फीचर्स होते हैं तो भी एड ऑन हो जाते हैं, तो आपको उसको अपडेट करना चाहिए। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्टिमाइज पे कर लेना है, आपके अपने डिवाइस को ऑप्टिमाइज भी करते रहना है ताकि कुछ बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चल रहा हो तो आपको बता दे कि भाई ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। अपडेट करने के बाद एक चीज़ और करना है, यहाँ पर थ्री डॉट्स में जाना है, बाय डिवाइस केयर में जाना है। डिवाइस भी केयर में जाने के बाद आपको सिक्योरिटी भी अपडेट करनी है, क्योंकि सिक्योरिटी भी अपडेट होगी तो ही तो जाके मेन तरीके से ये काम करेगा, तो आपको उसकी सिक्योरिटी को भी अपडेट कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस पर क्लिक करा और वो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे ही वो अपडेट होगा आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा कि योर डिवाइस सिक्योरिटी इज अपडेट, सिक्योरिटी इंजन इज अपडेटेड, मतलब कि इसको भी अपडेट कर लिया है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा इंटरफेस मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग फिर भी दे देता हूँ। सबसे पहले पर जाएंगे बैटरी में, तो यहाँ पर बैटरी से रिलेटेड आपको सारे टिप्स मिल जाएंगे और सारी टेक्निक मिल जाएंगी, जैसे कि पावर सेविंग करना हो तो यहाँ पावर सेविंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड यूजर लिमिट देना हो तो बैकग्राउंड यूजर्स लिमिट डाल सकते हैं, कितनी देर आपका यहाँ पर चल रहा है। जैसे कि आप बैकग्राउंड यूजर्स लिमिट पर जाएंगे तो ये आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिक कितनी ऐप्स को स्लीपिंग में डाल दिया, डीप स्लीपिंग में डाले हुए हैं और नेवर स्लीपिंग ऐप्स सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके पीछे बैक आएंगे, यहाँ पर कितनी आपका मोबाइल की बैटरी चल रही है, लास्ट चार्ज के बाद सब आपको मिल जाएगा, लास्ट 7 डे का रिकॉर्ड भी आप यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे आगे की तरफ, पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी, फुल अबाउट लास्ट चार्ज करने के बाद आपका मोबाइल कितना चला सब डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नीचे की तरफ आएंगे, मोर बैटरी सेटिंग करेंगे, एडेप्टिव बैटरी सेवर, सो बैटरी परसेंटेज, सो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, फास्ट चार्जिंग, प्रोटेक्ट बैटरी, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे स्टोरेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे सब आपको मिल जाएंगे, जैसे कि स्टोरेज फ्री करना, स्टोरेज कितनी भरी हुई है, क्या क्या भरा हुआ है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। रिसाइकिल बिन में कितना डेटा है, ऐप कैचेस में कितना डेटा है, अनयूज्ड ऐप कितनी है, डुप्लीकेट फाइल्स कितनी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर खुद ही बता देगा, लार्ज फाइलें कितनी है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर वो खुद ही बता देगा और आपको उसको एडजस्ट कर लेना है। ऐसे ही उसके नीचे आएंगे, नीचे आपको मिलेगा मेमोरी मतलब कि रैम, तो रैम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे कि आप बता रहा है कि क्रोम आपका बैकग्राउंड में चल रहा है और डेटा खा रहा है, तो आपको उसको क्लीन करेंगे तो आपकी वहाँ पर रैम इम्प्रूव हो जाएगी। एज अ क्लीन मास्टर अगर आपने यूज़ कराओ उससे रिलेटेड है, बट क्लीन मास्टर से अच्छा ये प्रोफेशनल, क्योंकि ओरिजिनल है कंपनी का, तो आपको हमेशा इसी को ही यूज़ करना है। यहाँ पर आएंगे, उसके बाद आ जाएगा ऐप नॉट यूज्ड वाले पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सक्लूसिव ऐप पे कि यहाँ पर वो ऑटोमेटिक क्लोज ना हो। रैम प्लस का फीचर यूज़ करना चाहे तो आप यहाँ पर रैम प्लस का फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे नो थ्रेड्स मतलब कि ये स्कैन करता है आपके सारे फोन्स की ऐप्स को,
जैसा कि आपको सिक्योरिटी इंजन अपडेट किया है, तो इंजन के थ्रू ये सारी ऐप्स को चेकिंग करेगा, एक एक ऐप्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर आपको बताएगा भैया कोई दिक्कत है तो वाली ऐप्स को आपको हटा देना है। तो जितनी ज़्यादा ऐप होंगी उतना ज़्यादा ये टाइम लेगा, तो उसको होने देते हैं एक बार। तो फाइनली दोस्तों आप देख दो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं ये हो चुकी है पूरी तरह से स्कैन, और कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर ये यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपको स्कैन पहले करना है, तो उसके बाद ये काम करेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो अल्ट्रा डेटा सेविंग ऑप्शन मिलेगा, तो इसके लिए ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखी, इसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा। यहाँ पीछे की तरफ आएंगे आपको ऐप ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली ऐप को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड जो भी है यहाँ पर मिल जाएगा। डायग्नोसिस करना अपने डिवाइस को तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। मेंटेन मोड पर जाएंगे तो मेंटेन मोड का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ थ्री डॉट्स पर जाएंगे तो आपको रिमूव ऐप स्क्रीन मिलेगा, स्टोरेज बूस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप स्टोरेज को बूस्ट कर पाएंगे। देन उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट और यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर जाएंगे तो आपको डिवाइस रिलेटेड केयर रिपोर्ट मिलेगी, कितनी बार आपका डिवाइस रिस्टार्ट हुआ, क्या क्या चीज़ हो, मतलब कि यू डिवाइस केयर इज अ बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। और यहाँ पर अगर ये ग्रेड वाला नहीं आना ना आपके पास आइकन्स, तो आपको कोई दिक्कत है, तो हमेशा जब भी हो आपका ग्रेड आना चाहिए। अगर यहाँ कोई दिक्कत आ रही है तो आपको न्यूट्रल थ्रेड फॉन्ट पे जाके उसको कर लेना है, वो आपकी दिक्कत यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों यही नया अपडेट था, नए अपडेट में हमेशा अपने ऐप को अपडेट करके रखना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरे वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।